हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी में मैंने बनाई है मेयोनीज़। ये आप देख सकते हैं परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी है और ना ही बहुत ज़्यादा पतली। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि इसे कैसे बनाना है एगलेस, और बहुत ही आसान और कुछ ही इंग्रेडिएंट्स है। तो चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे मैंने मेयोनीज़ बनाने के लिए 1/4 कप लिया है एकदम फ्रिज का ठंडा क्रीम। ये आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला ना लें, क्योंकि ये जो फ्रेश क्रीम होती है ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, पर आपको जब मेयोनीज़ बनानी है तो इसको आप फ्रिज में रख दें ताकि ये पूरी तरीके से ठंडी हो जाए। नेक्स्ट इसमें हम डालेंगे चुटकी भर काली मिर्च, 1/8 TSP नमक, 1/4 TSP पाउडर शुगर, 1/4 TSP विनेगर और 1/2 TSP रिफाइन ऑयल। इसको हम इलेक्ट्रिक ब्लेंडर से अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको हमें बस इतना ही मिक्स करना है कि हमारे जो ये सारे आइटम हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए, उसमें लम्स ना रहे। ओवर बीटिंग नहीं करनी है। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारी मेयोनीज़ बनके तैयार है। ये मैंने इसको अभी बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं किया है, क्योंकि इसको अगर हम फ्रिज में रखेंगे तो फिर ये और गाढ़ा हो जाएगा। तो आप भी घर में मेयोनीज़ बना सकते हैं, और काली मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप घर में ही मेयोनीज़ बनाएं, और झटपट कोई भी रेसिपी हो आपकी सैंडविच की या फिर पास्ता की, आप उसमें इसे यूज़ कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।